So, आपको ये चालीस टॉपिक्स जरूर प्रिपेयर करने चाहिए जैसे कि हमारे पास टोटल तेरह यूनिट्स होते हैं तो स्टूडेंट जनरली आठ यूनिट करता है नौ यूनिट करता है तो जो यूनिट्स वो स्किप कर रहे हैं तो उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एटलीस्ट वो करके जा सकते हैं और अगर आप कोई यूनिट पढ़ रहे हो तो उनमें इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को और अच्छे से जरूर देखिएगा गाइस क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है सी क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से हर बार तो ये जो क्वेश्चन है काफी रिपीटेड क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सो लेट्स के स्टार्ट विद द लेक्चर एंड लेट्स सी फोर्टी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सबसे पहली यूनिट जो है बायो केमिस्ट्री दैट इज यूनिट नंबर वन इसमें से अगर हम यहाँ पर देखें एंजाइम काइनेटिक्स से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है तो ये तो आप समझ लीजिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से हर बार एंजाइम काइनेटिक्स से क्वेश्चन आता है फिर आ गई अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन की बात इनमें से क्वेश्चन आता है जैसे कि एंड, एंडोपेप्टाइडिस एक्सोपेप्टाइडिस से रिलेटेड पूछ लेते हैं कि कहाँ पर ये एंजाइम्स कट करते हैं ऐसे ही मेटाबॉलिज्म में जो पार्ट है उनमें से आजकल काफी क्वेश्चन आने लग गए हैं जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस फैटी एसिड के सिंथेसिस के ऊपर तो ये वाला जो प्रोसेस होता है थोड़ा रटने वाला है मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो थोड़ा रट्टाफिकेशन वाला प्रोसेस है थोड़ा रटना पड़ता है बट अगर आप उस कर सकते हो रट सकते हो तो इसमें से क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं तो आप ये तीन टॉपिक्स बायोकेमिस्ट्री से जरूर पढ़ के जाइएगा अगर आप बायोकेमिस्ट्री स्किप करने का सोच रहे हैं या फिर बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इन टॉपिक्स को और अच्छे से जरूर पढ़ कर जाइएगा नेक्स्ट यूनिट जो है नेक्स्ट यूनिट रहती है सेल बायोलॉजी सेल बायोलॉजी में से तीन टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं सबसे पहला टॉपिक आ जाता है प्रोटीन टारगेटिंग का प्रोटीन टारगेटिंग का मतलब क्या होता है कि आप प्रोटीन्स को टारगेट करें जैसे ई आर में टारगेट किया जाता है गोल्जी में लाइजोजो में सेल के बाहर ऐसे जगह जगह टारगेटिंग किया जाता है तो उनसे काफी क्वेश्चन आ जाते हैं उनके सिग्नल मॉलिक्यूल से रिलेटेड इसमें से भी हर बार क्वेश्चन देखे जाते हैं आजकल सी एस आई आर साइटो स्कैलेटन से भी क्वेश्चन पूछ रहा है फॉर एग्जाम्पल माइक्रोट्रिब्यूल माइक्रो फिल्मेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट इनसे और सेल साइकिल और सेल डिवीजन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेल साइकिल सेल सिग्नलिंग में से और सॉरी सेल साइकिल सेल डिवीजन में से जैसे कि सी डी के साइकिल क्वेश्चन आते ही आते हैं इनके ऊपर देखे ही जाते हैं क्वेश्चंस तो इस तरीके से रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन और ये जो बाकी के दो टॉपिक्स हैं इनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं तो ये भी ट्राई करके जाइएगा सेल बायोलॉजी में से ये टॉपिक जरूर करिए नेक्स्ट यूनिट जो है मोलिकुलर बायोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट में से यूनिट है ये यूनिट इतनी इंपॉर्टेंट क्योंकि सी एस आर इसमें से काफी क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है सो so, अगर आप ये यूनिट पढ़ रहे हो तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि इस यूनिट को बहुत अच्छे से करके जाइएगा और कुछ टॉपिक्स जो कि आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं सबसे पहले ओपेरॉन सीएसआईआर में इसको यूनिट नंबर टू का पार्ट दिखा रखा है लेकिन वैसे ही मॉलिकुलर बायोलॉजी का पार्ट होता है सो so, ऑपेरॉन में लैक ऑपेरॉन ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन अराबिनोस ऑपेरॉन हर साल हर बार सीएसआर में क्वेश्चन आता है ट्रांसपोजिशन जो है उसमें से आजकल काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं जैसे कि लाइंस के ऊपर साइंस के ऊपर काफी क्वेश्चंस आजकल बन रहे हैं ट्रांसपोजिशन के ऊपर पी एलिमेंट इन सब के ऊपर सो आपको ट्रांसपोजिशन का टॉपिक अच्छे से पढ़ कर जाना चाहिए नेक्स्ट क्रोमैटिन क्रोमैटिन का मतलब क्या है जैसे कि अगर हम देखें हिस्टोन के अराउंड हम डीएनए को रैप करते हैं तो क्रोमैटिन बनता है और फिर उसके हम मॉडिफिकेशन करते हैं उस हिसाब से फिर डीएनए के एक्टिवेशन इन एक्टिवेशन ये सब होता है इसमें से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल रिपेयर सिस्टम में भी रिपेयर सिस्टम से भी हर बार क्वेश्चन आ ही रहा है जैसे कि न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर बेस एक्सीशन रिपेयर इन सब टॉपिक से भी आते रहते हैं एंटीबायोटिक्स में आपको एक टेबल है आप अगर वॉटसन एंड आप अगर यहाँ पर वाटसन की बुक में देखोगे तो भी आपको आराम से वो टेबल मिल जाएगी एक लिस्ट है बस एंटीबायोटिक्स टेट्रासाइक्लिन एरिथ्रोमाइसिन उसमें से भी हर बार आ रहे हैं तो वो सिर्फ आपको जो टेबल है उसको आप अच्छे अच्छे से से लर्न लर्न करना है तो वो आपने अच्छे से लर्न कर ली तो उसमें भी दो मार्क्स के चार मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो आपको एक क्वेश्चन में हेल्प कर सकता है आराम से सो तो ये टॉपिक्स हैं उसके अलावा आई सजेस्ट कि मोलिकुलर बायोलॉजी को बहुत अच्छे से करके जाइएगा नेक्स्ट यूनिट है सेल सिग्नलिंग एंड कैंसर बायोलॉजी से रिलेटेड सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग इसमें यहाँ पर सेल सिग्नलिंग जिसमें जीपीसीआर पाथवे और आरटी के पाथवे सबसे मेन चीज है इनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं कैंसर बायोलॉजी में कैंसर बायोलॉजी प्लस एपोप्टोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये क्वेश्चन बनते ही है इनसे करके ही जाने चाहिए टॉपिक स्किप नहीं करना चाहिए आपको एक्चुअली इसको हम एक तरीके सेल बायो का पार्ट बोल सकते हैं लेकिन सी एस आर में सी एस आई आर ने अलग से इनको दिया है तो हम इनको अलग से बोल सकते हैं नेक्स्ट डेफ बायो यूनिट डेफ बायो यूनिट से भी आजकल सी एस आर काफी क्वेश्चन पूछता है इस यूनिट को भी आपको बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए जैसे कि एम्फीबियन डेवलपमेंट ड्रोसोफिला डेवलपमेंट से क्वेश्चन अच्छे कहा से आ रहे हैं नर्वस सिस्टम न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट से भी आजकल सी एस आर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इन तीन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए इसके अलावा लिम डेवलपमेंट भी टॉपिक है उसमें से भी क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं

हर बार सीएसआई आर इनमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कभी जिब्रिलिक एसिड पे पूछ गया कभी ऑक्सीजन पे कभी साइटोकाइन पे इनसे क्वेश्चन आता ही है इसके अलावा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के किस तरीके से नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म देखा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं इन सब से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वंस अगेन एक रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक है जिसमें आपको रटना पड़ता है फिनॉलिक्स है टर्पेनॉइड्स है बहुत सारे नाम होते हैं और इनमें से भी सी एस आई आर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको ये पढ़ना है फोटोसिंथेसिस तो एक ऐसा टॉपिक है सदा बहार टॉपिक है केस में से तो क्वेश्चन आता ही आता है तो ये तो सदा बहार टॉपिक है तो प्लांट फिजियोलॉजी में से आपको ये टॉपिक जरूर करके जाने चाहिए अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट स्किप करने का सोच भी रहे हैं तो इसके अलावा एनिमल फिजियोलॉजी से एंडोक्राइन सिस्टम तो जरूर पढ़ कर जाना चाहिए अगर आप एनिमल फिजियोलॉजी को स्किप कर रहे हैं और चाहते हैं कि कुछ पढ़ना है एनिमल फिजियोलॉजी में तो वो टॉपिक में बोलूंगी एंडोक्राइन सिस्टम हॉर्मोन्स इसके अलावा आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पे भी फोकस कर सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम से भी सीएसआर क्वेश्चंस पूछ लेता है तो ये दो सिस्टम्स है जो आपको पढ़ के जाना चाहिए इसमें भी एंडोक्राइन तो जरूर पढ़ कर जाना चाहिए आफ्टर दैट यहाँ पर जो टॉपिक है इसको हम बोल सकते हैं जेनेटिक्स का टॉपिक जेनेटिक्स में आजकल जीन मैपिंग के ऊपर काफी क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कि जीन मैपिंग में लिंकेज को रिलेट करके आपको फाइंड आउट करना है जीन डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है जीन की मैपिंग करनी है इस ये सारे अच्छे खासे क्वेश्चन आजकल हर बार पूछ रहा है जीन मैपिंग के ऊपर तो यहां पर लिंकेज से फिर मैंडलियन जेनेटिक्स को जीन मैपिंग से रिलेट करके फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ जीन ए और बी उसमें यहां पर आपको बता दिया गया है कि 40% परसेंट रिकॉम्बिनेशन हो रही है उस हिसाब से फिर डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ रहा है इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछ रहा है पेडिग्री वंस अगेन सदाबहार टॉपिक है पेडिग्री में भी जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सलिंग डोमिनेंट क्या होता है एक्स एक्सलिंग रिसेसिव क्या होता है ऑटोजोमल डोमिनेंट ऑटोजूमल रिसेसिव ये कंडीशन क्या होती हैं प्रोबेबिलिटी कितनी है अगर एक पेरेंट अफेक्टेड है तो बच्चे के अफेक्टेड होने के तो ऐसे सारे क्वेश्चन काफी आ रहे हैं इसके अलावा म्यूटेशंस के ऊपर डिलीशन इनवर्जन जो नॉर्मल म्यूटेशंस होते हैं इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं तो so, ये तीन टॉपिक्स जो हैं जिनके ऊपर आजकल जेनेटिक्स में काफी फोकस किया जा रहा है इसमें से काफी क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं नेक्स्ट अगर हम यूनिट पे चले तो नेक्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी ये एक ऐसी यूनिट है जिसको बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं सो so, डाइवर्सिटी में अगर आपको कुछ पढ़कर जाना है तो एनिमल क्लासिफिकेशन और प्लांट क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना चाहिए ये चीज़ खैर हम इलेवेंथ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन इसको और डिटेल में और अच्छे से आप पढ़ सकते हैं इसके अलावा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन टेक्सा की टेक्सा के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसे है वो सारी चीजें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम इसको फाइलो जेनी से रिलेट कर सकते हैं तो ऐसे सारे क्वेश्चन जो है काफी आ रहे हैं तो आपको डाइवर्सिटी में आप ये टॉपिक जरूर पढ़कर जा सकते हो नेक्स्ट नेक्स्ट है इकोलॉजी इकोलॉजी भी एक काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है अभी के टाइम पे काफी सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं इकोलॉजी में से एक्चुअली ये टॉपिक्स नहीं बोल सकते ये हम सब पार्ट बोल सकते हैं इकोलॉजी के जिनमें से क्वेश्चंस बन रहे हैं काफी एक तो है पॉपुलेशन कम्युनिटी सॉरी पॉपुलेशन इकोलॉजी और एक है कम्युनिटी इकोलॉजी इनमें से आप करके जा सकते हैं क्वेश्चन इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें इवोल्यूशन इवोल्यूशन में से हार्डी वेनबर इक्विलिब्रियम छाई हुई है इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जियोलॉज जियोग्राफिकल टाइम स्केल से भी क्वेश्चन आते हैं जो जियोग्राफिकल टाइम स्केल हम देखते हैं डिबोनियन पीरियड लूरियन इन सब में से भी काफी क्वेश्चन हर बार देखे जाते हैं और मोलिकुलर इवोल्यूशन से ये भी एक सब यूनिट टाइप ऑफ सिचुएशन हो गई है इवोल्यूशन में सब है मॉलिकुलर इवोल्यूशन इसमें से भी क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार इस बार आ ही रहे हैं तो ये भी आपको जरूर पढ़कर जाना चाहिए नेक्स्ट अप्लाइड बायोलॉजी जो है इस यूनिट को हम एज ए नॉर्मली सेपरेट नहीं देखते हैं ये जनरली और बाकी यूनिट्स के साथ इसके क्वेश्चन आ जाते हैं पर हाँ एक ऐसा टॉपिक है जैसे कि एग्रो बैक्टीरिया मेडिएटेड ट्रांसफर ये तो आपको जरूर कर, कर जाना चाहिए अगर आप अप्लाइड बायोलॉजी को स्किप भी करें ये क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है इसके अलावा मार्कर्स के ऊपर डी मार्कर्स के ऊपर इनसे भी क्वेश्चन हमेशा आता ही है तो ये दो टॉपिक्स आपको जरूर पढ़कर जाना है नेक्स्ट यहाँ पर यूनिट है मैथोर्ज एंड बायोलॉजी एक्चुअली मेथोज एंड बायोलॉजी एक ऐसी यूनिट है ना दोस्तों जिनमें से क्वेश्चंस मिक्स करके आते हैं जैसे कि मैथोज एंड बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सेल बायोलॉजी से मिला दिया जेनेटिक्स से मिला दिया फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ए एफ एल और आर तो इनके क्वेश्चन जेनेटिक्स से रिलेट करके काफी पूछे जाते हैं इनसे इनसे मार्कर को तो रिलेट करके फिर जेनेटिक्स में इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इनसे इस तरीके के जेनेटिक्स से रिलेट करके काफी क्वेश्चन आते हैं ऐसे इम्यूनो टेक्निक से आते हैं काफी क्वेश्चन देखे जा रहे हैं आर डी टी रिकॉम्बिनेट डी एन ए टेक्नोलॉजी से हर बार आप लगा सकते हो कि एक बार क्वेश्चन आई जाता है रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जैसे कि इको आरवन प्लाज्मिट किस तरीके से हम क्लोनिंग करते हैं ये सारी चीजें आती हैं

और आपको इस बार भी हेल्प जरूर मिलेगी इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने से और आपके मार्क्स जो है वो जरूर बूस्ट होगी सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट